क्या है राम मंदिर विवाद, किसकी आखिर ये जमीन है, और सुप्रीम कोर्ट किसके साइड में ज्यादा हुआ नजर आ रहा है, हम इस वीडियो में पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गोस्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एजुकेशन इंडिया में। तो आइए बात करेंगे कि किस प्रकार से राम मंदिर विवाद शुरू हुआ और कैसे इसको अब खत्म करने की घड़ी आ चुकी है और किसके साइड यह पक्ष जाएगा, तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए एजुकेशन इंडिया चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने इस वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड वाला घंटी का निशान अवश्य ही दबाइएगा, ताकि आप देख सकेंगे राम मंदिर विवाद से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले। और साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप क्या चाहते हैं, इस जमीन पर राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद, हम एक तरह से वोटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कमेंट में लिखना है कि आप क्या चाहते हैं कि राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद, तो कमेंट में जरूर लिखते जाइएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे कि किस प्रकार से यह पहल हुई थी कि राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद का शुरुआत हुई थी। तो इतिहास यानी हिस्ट्री का इससे बहुत ही बड़ा नाता बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, इतिहास की अगर माने तो 1528 में, जी हाँ 1528 सन में अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जी हाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसे हिंदू भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मस्जिद मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के सम्मान में बनवाई थी, जिसकी वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से राम मंदिर इतिहास से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर दलीलें पेश की गई। तो आपको बता दें कि 1853 में हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर हिंसा हुई। जिस प्रकार से आपको पता ही है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा था, और उसी प्रकार से एक यह भी बड़ी कड़ी है, 1859 में अंग्रेज सरकार ने तारों की एक बाढ़ खड़ी करके विवादित भूमि यानी कि विवादित जमीन के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाजत दे दी। जी हाँ, कि आप बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, वहीं हिंदू वहां पर प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं एक ही जमीन पर, जी हाँ एक ही जमीन पर, बाहरी और आंतरिक परिसर में। 1885 में पहली बार राम मंदिर का जो विवाद था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जी हाँ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे एक राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर का काम शुरू कर दें, इसके लिए अपील की, यानी कि याचना या की, यानी कि याचिका लगाई, रिट लगाई और कहा कि राम मंदिर यहाँ पर बने। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर सबसे पहले यह विवाद गया था। 23 दिसंबर 1949 हर एक हिंदू हर एक मुसलमान के लिए काफी बड़ा था, क्योंकि इस दिन राम भगवान राम की मूर्ति इस मस्जिद में या फिर इस भूमि में पाई गई। मस्जिद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विवादित है कि मस्जिद है या मंदिर है, अभी भी विवादित बना हुआ है। तो 23 दिसंबर 1949 में राम भगवान राम की मूर्ति इस जगह पर पाई गई, और वहीं से हिंदुओं ने कहा कि यह जमीन हमारी है, यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं, श्री राम साक्षात प्रकट हुए हैं। जी हाँ, 23 दिसंबर 1949 की बात है। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि हम सिर्फ आज कोई सुप्रीम कोर्ट की
बात नहीं करने वाले हैं कि सुनवाई हुई, सुनवाई आज नहीं हुई क्योंकि आज रविवार था, अवकाश था। तो हम यहाँ पर विवाद को लेकर, स्त्री को लेकर आज तक की सभी अपडेट देने वाले हैं, यानी कि कल तक की। तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा श्री राम के लिए जय श्री राम और बाबरी मस्जिद के लिए आप लिख दीजिएगा, आपको जो भी लगता है कि श्री राम का मंदिर बनना चाहिए बाबरी मस्जिद, कमेंट में जरूर बताइए जाइएगा। 16 जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर राम की पूजा अर्चना की विशेष इजाजत मांगी। उन्होंने वहां से मूर्ति हटाने पर न्यायिक रोक लगाने की मांग की। जहां कानून यानी कि भारतीय कानून वहां से हटा रहा था मूर्ति जो कि 23 दिसंबर 1949 को मिली थी। उसके बाद 5 दिसंबर 1950 को महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा देश हिंदू और मुस्लिम दो भागों में बट गया है, तो वहाँ पर मस्जिद को ढांचा नाम देने की बात कही हिंदुओं द्वारा। जी हाँ, हिंदुओं द्वारा। उसके बाद पहली बार 18 दिसंबर 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर। सबसे बड़ा दिन जब हिंदुओं को काफी बुरा लग गया था। जी हाँ, हिंदुओं को काफी बुरा लग गया था। 9 नवंबर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की अनुमति दे दी। जी हाँ, बाबरी मस्जिद की काफी बड़ी बात थी और हिंदुओं को काफी इससे बुरा लग गया। 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश अयोध्या तक रैली निकाली और इसी के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने राम मंदिर को लेकर रैली निकाली थी। 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी और उन्होंने बाबरी मस्जिद जूद यानी कि वो भूमि जिसके आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया, यानी कि राजकीय संपत्ति घोषित कर दी गई। यह एक बड़ा काम था, एक बड़ी बात थी हिंदुओं द्वारा। 6 दिसंबर 1992 को हुई, हिंदुओं ने हजारों की संख्या में पहुंचकर अयोध्या पहुंचे थे और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, यानी कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए, यानी कि सामुदायिक दंगे हुए, जहां पर मुस्लिम एक साइड और हिंदू एक साइड हुए। यह होना ही था उस दिन के बाद। तो और इसी हड़बड़ाहट में, इसी जल्दबाजी में एक राम मंदिर का निर्माण भी कर लिया गया। जी हाँ, अस्थायी राम मंदिर का निर्माण किया गया। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे और उन्होंने मुस्लिमों को आश्वासन देते हुए कहा कि हम वापस से वहीं बाबरी मस्जिद बनवा देंगे। जी हाँ, वही बाबरी मस्जिद बनवा से देंगे, ये वीपी नरसिम्हा राव ने कहा जो कि उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद कई आयोग का गठन हुआ। जी हाँ, कहीं उसके पक्ष में तो कहीं विपक्ष में, कहीं बाबरी मस्जिद के पक्ष में तो कहीं राम मंदिर के पक्ष में। जी हाँ, कई सारे आयोगों का गठन हुआ और अलग अलग तरीके से आंदोलन, अलग अलग तरीके से हिंसा हुई और ऐसी हिंसा में दो संप्रदाय बन गए। जी हाँ, दो संप्रदाय। अप्रैल 2002 में इस भूमि के मालिकाना हक को लेकर 3 जजों की पीठ में सुनवाई शुरू हो गई। जी हाँ, इसके बाद कानूनी तरीके से खुदाई होना शुरू हुई। मार्च अगस्त के बीच में यह खुदाई चल रही थी, जहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के पर भारतीय पुरातत्व, जी हाँ भारतीय पुरातत्व आप जानते होंगे एक विभाग है, सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। मुस्लिमों में इसके लेकर अलग अलग मत थे। 30 सितंबर 2010 को एक ऐसा फैसला आया जो कि खुश करने देने वाला था, बट हमारी जनता, भारतीय जनता कहाँ खुश होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस विवादित भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाए। जी हाँ, 3 भागों में, जहां पर उसी बराबर भाग को राम मंदिर, बराबर भाग को वक्फ बोर्ड और
तीसरा बड़ा बराबर भाग निर्मोही अखाड़े को मिल जाए। तो जैसा कि यह इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फैसला आया था, जो कि वहां का हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं फैसला आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। 9 मई 2011 को इसके ऊपर रोक लगी और तीनों हिस्सों को एक हिस्से में बदल दिया गया और अब यह हिस्सा किसी भी एक संप्रदाय के पास नहीं था। अब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया था, तो इसके पीछे बड़े नेता हुआ है। वो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से कुछ थे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती। 5 दिसंबर 2017 को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। जी हाँ, 5 सितंबर 2017 से, जो कि अभी तक चल रही है और फैसला किस साइड जाएगा अभी तक किसको भी पता नहीं है, क्योंकि जितनी दलीलें हिंदुओं ने पेश की है, जितनी दलीलें हिंदुओं द्वारा की गई है, उतनी ही दलीलें मुस्लिमों द्वारा की गई है। और जो दलीलें, जो याचिकाएं बराबर है और याचिकाएं बराबर है, इसका मतलब सबूत भी बराबर है। सबूत जहां पर राम मंदिर, वहां पर पुरातत्व विभाग को भी मिल गए, जहां पर मस्जिद खड़ी की गई थी बाबर के सेनापति द्वारा, उसको भी गिराया गया और गिराने के बाद जो कुछ निकला वो राम मंदिर के अवशेष थे। लेकिन राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, जो कि मुगल बादशाह बाबर के सेनापति द्वारा बनाई गई थी, और उससे पहले वहां पर राम मंदिर था। अब इस पूरे मामले को जटिल बना दिया गया है और यह जटिलता इतनी बढ़ गई है कि इसका फैसला अभी तक आना निश्चित नहीं है। और यह निश्चित नहीं है फैसला, इसका मतलब कितने भी दिन लग सकते हैं यह भी निश्चित नहीं है। लेकिन हमारा चैनल आपको हर एक अपडेट हर एक समय पर देता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वैसे ही दबा दीजिए ताकि आप पाएंगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जरूर लिखते जाइएगा कमेंट में, क्योंकि ना यह देश मुस्लिमों का है, ना ही ये पूरा अधिकृत हिंदुओं का है। यहाँ पर संप्रदाय मिलजुल कर रहे थे, मिलजुल कर रहने चाहिए। इसलिए जय हिंद, जय भारत।